विपक्ष की योजना सरकार को जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर घेरने की है, जबकि सरकार राफेल सौदे पर शीर्ष अदालत से मिली क्लीन चिट पर पलटवार करने के साथ जम्मू कश्मीर के मामले में आक्रामक रुख अपनाने पर अडिग है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे सत्र में शिवसेना के राजग से नाता तोड़ने के कारण संसद का नजारा बदला बदला सा होगा। सत्र से पहले सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने और पलटवार करने की रणनीति बनाई है। विपक्ष ने आर्थिक सुस्ती के कारण घट रहे रोजगार के अवसर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा विपक्ष की योजना सरकार को महंगाई, जम्मू कश्मीर की स्थिति, किसानों की दुरूह स्थिति जैसे मुद्दों पर घेरने की है। दूसरी ओर सरकार ने राजग की बैठक बुलाकर विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की। इस बैठक में राफेल सौदा मामले में राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करने का फैसला हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमलावर रुख अपनाने की रणनीति बनाई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला सत्र जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण चर्चा में रहा। इस सत्र में सबकी निगाहें नागरिकता संशोधन बिल पर है, जिसे मोदी सरकार राज्यसभा में संख्या बल के अभाव में पारित नहीं कर पा रहा था।